सबसे पहले तो आप सबको मेरी राम राम, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कंबोज है, स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। वीडियो को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको कोई दिक्कत ना है वीडियो को समझने में, ठीक है। जो चारों पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से टोटली लिंक हैं। आप पहला पार्ट समझोगे तभी आपको दूसरा समझ में आएगा, तभी तीसरा समझ में आएगा, तभी चौथा समझ में आएगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। जो वीडियो का पहला पार्ट है कि यूके का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, अगर आप आते हो तो एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है, आपको एग्ज़ाम्स कैसे देने, एग्ज़ाम्स होते भी हैं नहीं भी होते हैं, वो पूरा का पूरा यूके एजुकेशन सिस्टम के अंदर आएगा, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है कि भाई यहाँ पे असाइनमेंट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे सबमिट होते हैं, आपको यूज़र नेम पासवर्ड कैसे मिलेगा, वो पूरा का पूरा आपको जो असाइनमेंट का पार्ट है आपको उसके अंदर समझ में आएगा, ठीक है। जो तीसरा और पार्ट है कि भाई यहाँ पे असाइनमेंट्स का खेल कैसे चलता है, बच्चे असाइनमेंट्स बनाते हैं, बनवाते हैं, और ये कैसे है, ये आपको मैं तीसरे पार्ट्स में क्लियर करूँगा। जो चौथा पार्ट है कि जिसकी मैंने वीडियो बकायदा क्लास में रिकॉर्ड की थी कि स्टूडेंट ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से उसको टर्मिनेट होना पड़ेगा, और डिपोर्ट भी हो सकता है क्योंकि भाई उसने गलती ऐसी की है, और जो पूरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जितने भी मतलब जो मेन मेन सेक्शंस होते हैं, जो हमारी कोऑर्डिनेटर है, यूनिट कोऑर्डिनेटर है, जो हमारा लेक्चरर है, उन सब तक वो बात पहुँच चुकी है। तो आपको ऐसी गलती क्या नहीं करनी है कि जिससे भाई आप इतना सारा पैसा लगा के आए हैं, इतनी सारी मेहनत करके आए हैं, ताकि आपको टर्मिनेट ना होना पड़े। तो चलिए मैं आपको पहला पार्ट समझाता हूँ कि यूके का एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। यार यहाँ पे सबसे पहले जो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। जो आप असाइनमेंट्स बना के सबमिट करोगे वही आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप असाइनमेंट में पास होते हो तो ये मान के चलो कि आप पेपर में पास हो गए। और जो असाइनमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि आपको एक यूनिट के अंदर दो असाइनमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, ठीक है। और जो आपकी 8 वीक्स की क्लास होती है, 2 महीने की, मतलब जिसको हम लोग बेसिकली कह देते हैं, आपकी 8 वीक्स की क्लास होगी, 8 वीक्स में आपकी 16 क्लासेस लगेंगी। वो कोई भी दिन हो सकते हैं यार, जैसे एक वीक के अंदर मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, मतलब 2 क्लासेस लगेंगी बीच में एक दिन छोड़ के, दैट्स इट। और जो आपकी पहली क्लास लगेगी वो 3 घंटे की हो सकती है, जो दूसरी क्लास लगेगी 6 घंटे की हो सकती है, दैट्स इट। आपको सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 9 घंटे पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। और उसमें ही आपका जो पास है, फेल है, वो आपका पूरा का पूरा इधर ही हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट निकल के आता है कि भाई असाइनमेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे सबमिट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के दिमाग के अंदर कि यार असाइनमेंट्स का कैसे क्या सिस्टम, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मोस्टली असाइनमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 3000 वर्ड्स से लेकर 4000 वर्ड्स के अंदर। जैसे यार हम लोग इंडिया में प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, वैसे पीडीएफ भी हो सकती है, वर्ड भी हो सकती है, बेसिकली कुछ नहीं होगा। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसको आपको क्लियर करना होगा अपने वर्ड्स के अंदर, ठीक है। आप ना तो उसको गूगल से कॉपी कर सकते हैं, ना आप उसको विकिपीडिया से कॉपी कर सकते हैं। मतलब आपको क्या है कि अपनी खुद की वर्डिंग के अंदर उसको लिखना है। वो लिखना क्यों है, क्योंकि यार यहाँ पे प्लेजरिज्म आ जाता है। मतलब आपने जैसे गूगल से कॉपी किया, विकिपीडिया से कॉपी किया, इनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं भाई इतने खतरनाक, यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर, आपने जैसे गूगल से कॉपी किया, वो आप सॉफ्टवेयर जब असाइनमेंट्स अपलोड करोगे तो वो आपको दिखाएगा बकायदा कि भाई आपने इतना कंटेंट है आपका, इतना आपने गूगल से उठाया, इतना आपने विकिपीडिया से उठाया, इतना पहले किसी और बच्चे ने अपलोड कर रखा है, वो आपको सबका सब उसमें दिखा देगा। जो असाइनमेंट्स होती है कि भाई 3000 वर्ड्स हो गए, 4000 वर्ड्स हो गए, कुछ भी हो सकते हैं, एक यूनिट के अंदर 2 असाइनमेंट्स होती हैं, जो आपको पहले के 3 या 4 वीक्स में एक असाइनमेंट सबमिट करनी होगी और लास्ट के 3 या 4 वीक्स के अंदर एक असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। आपको पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, मतलब 40 अबव होते हैं तो आप एक उसमें असाइनमेंट में पास हो जाते हैं, और आपको दूसरे असाइनमेंट में भी पास होने के लिए 40 अबव चाहिए। मतलब आपको दोनों असाइनमेंट्स में पास होना जरूरी है, ठीक है। और इतना बड़ा कोई सिस्टम नहीं होता है कि यार मतलब कि असाइनमेंट कैसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, बच्चे मतलब बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, कुछ बनवाते भी हैं, ठीक है, और मोस्टली अपना पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब लोग इजीली पास हो जाते हैं। बट दिक्कत कहाँ पे आती है कि भाई अगर आप क्लासेस तो लगा नहीं रहे हैं, ठीक है, अब क्लास में एक्टिव भी नहीं है, अब आपके नंबर आ गए 60 अबव, तो तब आपको दिक्कत हो सकती है, तब आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ सकता है यूनिवर्सिटी को, कि कई बार जैसे उनको अगर स्ट्रिक्टनेस पड़ गई है तो आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ जाएगा कि भाई आपके 60 प्लस नंबर कैसे हैं, क्योंकि आप तो क्लास में एक्टिव ही नहीं, आप क्लास ही नहीं लगाते हैं। तो तब आपने जो असाइनमेंट्स बनाई हैं वो आपको पूरी की पूरी वहाँ पर समझानी पड़ेगी, ठीक है। जो तीसरा पार्ट है कि भाई जो असाइनमेंट्स का खेल चल रहा है वो कैसे चलता है, मैं क्लियर करता हूँ कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मेरे साथ भी हुआ, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, कि आप मान लीजिए यूके आ गए, कनाडा आ गए, आपने अपनी प्रोफाइल में लिख दिया कि यू आर लिविंग इन लंडन, यूनाइटेड किंगडम, आप कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपना करंटली लोकेशन चेंज करोगे, आपके पास में लड़कियों की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी
कि भाई मैं फलाना फलाना कंपनी से बिलोंग करती हूँ और हम लोग एक प्रोफेशनल मतलब राइटिंग स्पेशलिस्ट हैं और हम लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं। लिटरली मेरे पास में, मैंने जब से अपनी प्रोफाइल में लिखा है कि आई एम लिविंग इन ल्यूटन इन यूके, तो मेरे पास में भाई डेली के एक दो मैसेजेस ऐसे आ जाते हैं कि सर मैं असाइनमेंट्स बनवाती हूँ, मतलब असाइनमेंट्स बनाती हूँ, और अगर आपको असाइनमेंट बनवाना हो तो आप मुझसे संपर्क करें, आपके पास में ऐसा आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यहीं से ही सारी की सारी कहानी शुरू हो जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं कि क्लासेस में जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि असाइनमेंट्स कैसे बनते हैं, जो आपका टीचर होगा वो आपको बताएगा कि असाइनमेंट्स कैसे बनते हैं, आपको नहीं आता आप उनसे पूछें, उनसे मेल डालें, वो आपको बाकायदा सारा पैटर्न क्लियर करेगा कि जो रेफरेंसेज होते हैं वो आपको कैसे लिखने हैं, हार्वर्ड स्टाइल में लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, वो आपको सारी चीज़ बताएगा, इसका आपको पूरा राइट होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं बनवाते, बच्चे बनवाते भी हैं भाई, बाकायदा यूनिवर्सिटी तक को पता होता है कि भाई बच्चे जो असाइनमेंट्स बनवा रहे हैं, तो भाई ये हो क्या रहा है। पर यूनिवर्सिटी चाहे भी कुछ नहीं कर पा रही, यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े सॉफ्टवेयर से मैंने आपको बताया था कि प्लेगलिज्म आ जाता है, पर उसके बावजूद भी ये सब चलता रहता है, क्योंकि यार ये आज का नहीं चल रहा है, बहुत पुराना सिस्टम है कि असाइनमेंट्स बनने का बनवाने का, बच्चे बनवाते हैं, पास भी हो जाते हैं, बच्चों की पूरी यूनिट्स क्लियर हो जाती हैं, बच्चों के पूरे कोर्स क्लियर हो जाते हैं। पर मेन बात पता है क्या होती है कि जब बच्चे असाइनमेंट्स बनवा लेते हैं उसके बाद में उसको पढ़ना भी तो जरूरी होता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत आती है, फिर वो सबमिट करते हैं, फिर उनको बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये खेल यार बहुत पुराना चल रहा है और ये क्या कब तक चलता रहेगा इसका कोई श्योरिटी नहीं है। और जो चौथा पार्ट है कि भाई मेरे क्लास के स्टूडेंट ने ऐसी क्या हरकत की है जिसकी वजह से वो टर्मिनेट होगा और भाई डिपोर्ट होने के उसके पूरे पूरे चांसेस है। लिटरली बंदे ने क्या किया, मतलब कि सबसे पहले तो जब टीचर ने बताया कि सब लोग बहुत हंसे, मैं वीडियो क्लिप ऐड कर रहा हूँ, वीडियो क्लिप देखना। This is business. This is business. And what is funny is that he took the picture from WhatsApp of the student and sent it to me. He sent the assignments too to me. He sent all the sessions, the PowerPoint that I've uploaded here. That means he had the key to open his brain. That's too much. आपने वीडियो क्लिप देख ली होगी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि बच्चे ने असाइनमेंट्स बनवाया बाहर से। अब दो असाइनमेंट्स थे भाई, अब पहला असाइनमेंट था, पहला असाइनमेंट दो पार्ट्स में था, जनरल में और पोस्टल में, और तीसरा असाइनमेंट था वो 4000 वर्ड्स का था जैसे मैंने आपको बताया। जो पहला असाइनमेंट जनरल पोस्टल की उसने बनवा ली, उसने उसको पे कर दिया असाइनमेंट वाले को। अब जो दूसरा असाइनमेंट था उसने उससे बनवा के असाइनमेंट ले लिया, उसको पे नहीं किया, उसने उसको ब्लॉक तक कर दिया बाकायदा, जिससे उसने असाइनमेंट बनवाया। तो जिसको उसने जिससे उसने असाइनमेंट बनवाया था उसको उसने अपना यूजर नेम पासवर्ड दे रखा था पोर्टल का, तो यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर जाता है। तो उस बंदे ने क्या किया कि उसके यूजर नेम पासवर्ड से उसके पोर्टल पे लॉग इन करके सारी ईमेल आईडी निकाल ली, जो मतलब कि यूनिट कोऑर्डिनेटर है, जो हमारा लेक्चरर यूनिवर्सिटी है, जितने भी हेल्प डेस्क, उसने सबकी मेल निकाल के सबको मेल भेज दी लड़के ने कि भाई मैंने इसका असाइनमेंट बनाया था और इसने मेरे को पे नहीं किया, तो यूनिवर्सिटी अब इसका मेरे को पे करेगी। उस बंदे ने बकायदा उसकी व्हाट्सएप से फ़ोटो डाउनलोड करके यूनिवर्सिटी को मेल कर रखी है कि ये लड़का है, इसका मैंने ये 4000 वर्ड्स के असाइनमेंट्स बनाया, मैंने मेहनत की है, मेरे को इस 4000 वर्ड्स के असाइनमेंट के पैसे दिलवाओ। वो यूनिवर्सिटी से पैसा मांग रहा है भाई। अब ये देखो ना कि जब इतना बड़ा सीन हो जाता है तो वो टीचर तो यार हमारा चलो ठीक है, थोड़ा सा उसने शेयर किया हमारे साथ में अवेयर करने के लिए कि ऐसी गलती, मतलब इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है, कुछ पैसों के लिए उसने इतनी बड़ी गलती की, डेफिनेटली पूरे पूरे चांसेस है कि लड़का टर्मिनेट होगा। ठीक है, और डिपोर्ट होने के चांसेस तब हैं कि जब यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो और वो जाके एम्बेसी को बता दे कि इसने ऐसी गलती की है। अभी देखो यार, ये इसका आउटपुट अभी तक नहीं पता चला। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बच्चे हैं उसका नाम ही रिवील नहीं कर रहे हैं अभी तक क्लास में, और मतलब इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है यार, अपनी लाइफ के साथ कैसे खेल सकता है। कुछ पाउंड्स के लिए उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, और इसका यार पता ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि आउटपुट क्या निकलेगा। अगर मैं थोड़ा बहुत अगर आपको बताऊं तो इसका आउटपुट ये निकलेगा कि एक यूनिवर्सिटी मीटिंग होगी, उसमें बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है, उससे क्लैरिफिकेशन मांगी जाएगी कि आपने ऐसी मतलब ऐसी आपको क्या नीड पड़ गई कि आपने जो असाइनमेंट है वो बाहर से क्यों बनवाया। और अगर वो बच्चा उसमें जैसे तैसे कुछ थोड़ा बहुत क्लियर कर देता है, मतलब वहाँ पे उनको सेटिस्फाई कर देता है कि भाई मेरी मजबूरी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे काम करना था, जो भी एक्स वाई जेड है, अगर वो यूनिवर्सिटी थोड़ी बहुत भी मतलब
अच्छी होती है या उसमें मतलब एग्री हो जाती है चीज़ों को लेके, तो उसको एक चांस और दे सकते हैं, नहीं तो यार उसका पूरा का पूरा साल ख़त्म होगा और डिपोर्ट होने के पूरे चांस। ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें यार। आप लोग क्लासेस लगाएं, जो सबसे मेन पॉइंट होता है, क्लासेस लगाएं, क्लासेस में एक्टिव रहें, क्योंकि यार इतना मुश्किल कुछ भी नहीं होता। आपको बकायदा सब कुछ बहुत प्यार से समझाया जाएगा, ठीक है, आपको पूरा पूरा राइट होता है। टीचर आपसे बकायदा पूछेगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। टीचर क्या करता है, अपना पढ़ा के अपना काम करके चला जाता है, दैट्स इट। तो आप लोग यार थोड़ा सीरियस रहें पढ़ाई को लेके। एक साल पढ़ाई होती है, कितना ही होता है यार, कुछ भी नहीं पढ़ना होता है आर्ट, मतलब कि एक साल के अंदर आपको 8 महीने भी मुश्किल से नहीं पढ़ना होता है। बाकी छुट्टियाँ वुटियाँ होती हैं, हर यूनिट के बाद 15 दिन की छुट्टी होती है और यही 2 दिन क्लासेस होती है एक वीक के अंदर। इतना तो टाइम निकाल ही सकते आप अपनी पढ़ाई को लेके। बस पढ़ाई को लेके सीरियस रहो। एक साल, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप इस एक साल के अंदर ही पास होते हैं ना, तो तभी जाके आपको वर्क परमिट मिलेगा, नहीं तो आपको वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। आप भूल जाइए कि आप अगर पास नहीं है तो आपको वर्क परमिट भी दे देगी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वर्क परमिट भी नहीं देगी। और यार ये वीडियो थी पूरी की पूरी, इसमें मैंने आपको चारों पार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर किए। यार वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और भाई के चैनल को सपोर्ट करना। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं क्वेरीज हैं मुझे ड्रॉप कर देना, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और जयराम जी की, और ध्यान रखिए आप सब लोग। थैंक यू सो मच।